नमस्कार, वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें। मुंबई में विधायकों को निवास स्थान देने के लिए महाराष्ट्र सरकार 300 घर बनाएगी, तो धनंजय मुंडे और करुणा शर्मा फिर चर्चा में है। करुणा ने बताया कि हमारी प्रेम कहानी पर लिखी जा रही किताब अब अपने अंतिम चरण में है। वहीं मुंबई में होने वाले तमाम आईपीएल मैचों पर आतंकवादी हमले का खतरा मंडरा रहा है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने वानखेड़े स्टेडियम, ट्राइडेंट होटल सहित आसपास के कई इलाकों की रेकी की है। उधर विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार के एक एक कर कथित भ्रष्टाचार के 21 मामले गिनाए हैं। इसी बीच मराठी और मराठी मानुष की बात करने वाली राज ठाकरे की महाराष्ट्र निर्माण सेना की तर्ज पर अब महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मुंबई में विधायकों को निवास स्थान देने के लिए महाराष्ट्र सरकार 300 घर बनाएगी। इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के सभी विधायकों का एक स्थायी निवास स्थान मुंबई जैसे शहर में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में रोटी कपड़ा मिल जाता है, लेकिन मकान नहीं मिलता। मुख्यमंत्री ठाकरे ने याद दिलाया कि सन 1995 में राज्य में जब शिवसेना की सरकार बनी थी, तब शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने झोपड़पट्टियों में रहने वालों को मुफ्त में घर देने की योजना शुरू की थी। मुंबई में कई झोपड़पट्टी परियोजनाएं चल रही है, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी है। ट्रांजिट कैंप में जो लोग रहते हैं उन्हें घर देने की योजना है। आने वाले दिनों में मुंबई में कई सारी योजनाएं शुरू करनी है, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। धारावी का कायाकल्प करना है, उसके पुनर्विकास पर हमारा पूरा ध्यान है। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के साथ हमारा ध्यान आम आदमी के विकास पर भी है। राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने एक दिन पहले कहा था कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आने वाले विधायकों के लिए म्हाड़ा के जरिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स में विधायकों के लिए बनने वाले घर उच्च आय वर्ग यानी HIG श्रेणी के होंगे। इन घरों के लिए वही विधायक पात्र होंगे जिनका चुनाव क्षेत्र MMR रीजन के बाहर होगा और जिनके पास मुंबई में पहले से अपना कोई घर नहीं होगा और जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे एक बार फिर से अपनी दूसरी पत्नी करुणा शर्मा की वजह से चर्चा में है। कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाली करुणा ने मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्रेम कहानी पर लिखी जा रही किताब अब अपने अंतिम चरण में है, जिसमें 25 साल पुराने हमारे रिश्ते के सबूत होंगे। इन सबूतों में हमारी शादी की तस्वीरें भी होंगी। करुणा ने कहा कि हिंदी भाषा में ये किताब लिखी जा चुकी है, हिंदी और मराठी में ये किताब प्रकाशित की जाएगी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट सही है, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि मेरे पति के कागजातों में टेक्निकली गड़बड़ी है, उन्होंने 6-6 बच्चे और कई बीवियां छिपाई है। मेरे पास सभी सबूत है जो एक दिन दुनिया को जरूर दिखेंगे। बता दें कि साल 2021 में धनंजय मुंडे के खिलाफ रेनू शर्मा नाम की महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसका जवाब देते हुए मुंडे ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया था। उन्होंने कहा था कि रेनू शर्मा मुझे ब्लैकमेल कर रही है। दूसरी तरफ करुणा शर्मा ने कहा कि मेरे जैसी कई मंत्रियों की पत्नियों पर अत्याचार होता है, कई महिलाएं मेरे संपर्क में है। करुणा के इस दावे से भी राजनेताओं की नींद उड़ी हुई है। मुंबई में होने वाले तमाम आईपीएल मैचों पर आतंकवादी हमले का खतरा मंडरा रहा है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने वानखेड़े स्टेडियम, ट्राइडेंट होटल सहित आसपास के कई इलाकों की रेकी की है। इस बात का खुलासा ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए एक आतंकी ने पूछताछ में हुआ है। ऐसे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने खिलाड़ियों के ठहरने वाले होटल स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से 26 मार्च से लेकर 22 मई तक क्विक रिस्पांस टीम, BDDS और राज्य रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया गया है। आदेश दिया गया है कि खिलाड़ियों की बस को एक्सकॉर्ट करने के लिए मार्क्समैन गाड़ी या कॉम्बैट व्हीकल का इस्तेमाल किया जाए। खिलाड़ियों के निवास स्थान और स्टेडियम के बीच सड़क पर वाहनों की पार्किंग को रोका जाए। इमरजेंसी के हालात में खिलाड़ियों को लाने और ले जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग किया जाए, इसकी सूचना संबंधित टीम को दी जाए। साथ ही IPL आयोजकों द्वारा बस चालकों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक करवाया जाए। खिलाड़ियों के बस में चढ़ने के पहले और उतरने के बाद गाड़ी की पूरी चेकिंग की जाए। खिलाड़ियों की बस अगर स्टेडियम में पार्क हो रही है तो वहां भी उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। बस के ड्राइवर्स और कर्मचारियों को बदला न जाए, साथ ही उन्हें पहचान पत्र भी दिया जाए। क्रिकेट बोर्ड के सदस्यों, खिलाड़ियों के कमरे में उनके मैनेजर्स की अनुमति के बिना किसी को भी प्रवेश न दिया जाए। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार के एक एक कर कथित भ्रष्टाचार के 21 मामले गिनाए हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर पालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष के पास मिली संपत्तियां अब 300 करोड़ तक पहुंच गई है।
जब कोरोना से लोग मर रहे थे, उन्होंने 24 महीनों में 38 संपत्तियां खरीदी। मुंबई मनपा स्थायी समिति की आखिरी बैठक में भी 30 मिनट में 6000 करोड़ रुपए के 370 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। जिन कोविड सेंटर्स में एक भी मरीज नहीं थे, वहां भी कंपनियों को 50% रकम दे दी गई। लाइफलाइन मैनेजमेंट हॉस्पिटल सर्विसेज नाम की जिस कंपनी से 15 दिन में पुणे के जम्बो कोविड सेंटर का ठेका छीन लिया गया था, बाद में उसे मुंबई के 5 कोविड सेंटरों का ठेका दिया गया था। फडणवीस ने कहा कि महानगर पालिकाओं के देशव्यापी रैंकिंग में मुंबई महानगर पालिका 8वें नंबर पे है, लेकिन वित्तीय स्रोतों के प्रबंधन के मामले में मुंबई महानगर पालिका देश में 45वें नंबर पे है। उन्होंने कहा कि बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन के मामले में नागपुर उससे कहीं बेहतर है। यहाँ तक कि नई मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की महानगर पालिकाओं का प्रदर्शन भी बीएमसी से बेहतर है। इसके अलावा फडणवीस ने पूर्व पुलिस अधिकारी इशाक बागवान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को एक और पेन ड्राइव सौंपा है। उन्होंने दावा किया है कि बागवान ने बारामती में 42 एकड़ गैर कृषि जमीन खरीदी। जिन लोगों से सौदा किया गया उनमें इकबाल कास्कर का करीबी बिल्डर भी शामिल है। मराठी और मराठी मानुस की बात करने वाली राज ठाकरे की महाराष्ट्र निर्माण सेना की तर्ज पर अब महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। विधान परिषद में शिवसेना सदस्य दिवाकर रावते ने कहा कि सदन में सदस्यों को मराठी भाषा में ही भाषण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में कई सदस्य हिंदी में ही पूरा भाषण कर देते हैं। सदन में विदर्भ और विशेष रूप से नागपुर के सदस्य हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में बातचीत नहीं करते हैं। स्थानीय निकायों में मराठी भाषा का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने संबंधी महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान रावते ने कहा कि महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है। विधान परिषद महाराष्ट्र का सर्वोच्च सदन है, इसलिए यदि किसी को इस सदन में सदस्य बनकर कदम रखना है तो उसे मराठी भाषा अनिवार्य रूप से आनी ही चाहिए। रावते ने कहा कि स्थानीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों को सदन में मराठी भाषा में भाषण देना चाहिए, जबकि सदन में नवनिर्वाचित सदस्य मराठी को छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शपथ लेते हैं, लेकिन सभापति द्वारा उन्हें रोका नहीं जाता है। जबकि सभापति को नए सदस्यों को मराठी भाषा में ही शपथ लेने के लिए कहना चाहिए। माना जा रहा है कि आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए आघाड़ी सरकार ने मराठी मुद्दे को हवा दे दी है, इसके असर को नकारा भी नहीं जा सकता। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। देश और विदेश की मिलीजुली खबरों में आज मुख्य रूप से चीन के साथ भारत की बातचीत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ी कुछ खास खबरें हैं। इसके अलावा बीरभूम हत्याकांड सुर्खियों में है तो पंजाब के नए सीएम भगवंत सिंह मान का भी बड़ा फैसला चर्चा के केंद्र में है। यूपी के नए सीएम आदित्यनाथ योगी की ताजपोशी को लेकर भी खबरें आई हुई है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से करीब 1 घंटे बातचीत की है। सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत ने शांति की बहाली के लिए राजनयिक सैन्य स्तर पर सकारात्मक बातचीत जारी रखने की आवश्यकता जताई है। अजीत डोभाल ने वांग यी से कहा है सुनिश्चित किया जाए कि कार्रवाई समान और परस्पर सुरक्षा की भावना का उल्लंघन नहीं करती है, एक ही दिशा में काम करे और बकाया मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाए। चीनी पक्ष ने अजीत डोभाल से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए चीन का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। न्योते पर डोभाल ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह तत्काल मुद्दों को सफलतापूर्वक हल करने के बाद चीन की यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कुछ और दिनों के लिए मोहलत मिल गई है। शुक्रवार को पाकिस्तान की संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना था, लेकिन उसके पहले ही सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। अब 28 फरवरी को सत्र का आयोजन होगा। इसका सीधा अर्थ हुआ कि इमरान खान को अपनी सरकार बचाने के लिए 3 दिन की और मोहलत हो गई है। पाकिस्तान के विपक्षी दलों की ओर से 8 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया गया था। नियम के मुताबिक नोटिस मिलने के 14 दिनों के अंदर सत्र बुलाना होता है। इसकी आखिरी तारीख 21 मार्च ही थी, लेकिन सचिवालय ने 25 मार्च को सत्र के आयोजन का फैसला लिया। इसके बाद आज भी प्रस्ताव पेश नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि विपक्ष की एकजुटता के पीछे सेना का भी हाथ है, जो उसे लगातार प्रोत्साहित कर रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पिछले दिनों हुई कथित हिंसा के मुद्दे पर शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 11:54 से 12:10 तक के लिए स्थगित कर दी गई।
भारतीय जनता पार्टी की रूपा गांगुली ने शून्यकाल के तहत इस मुद्दे को उठाया और भावुक होते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। गांगुली ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के बारे में जो कहना चाह रही है उसकी चर्चा करने से सिर ग्लानि से झुक जाता है। बीरभूम जिले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों को जलाकर मार दिया गया। राज्य की पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं रह गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि पहले सभी के हाथ पैर तोड़े गए और फिर कमरे में बंद करके जला दिया गया और इतना कहते हुए वह रोने लगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम हत्याकांड में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इससे ममता सरकार को झटका लगा है। सीबीआई को 7 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। इससे पहले एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी। बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड को बर्बर करार दिया था। कोर्ट में पेश किए गए सभी 20 आरोपियों का केस लड़ने से वकीलों ने इनकार कर दिया। बता दें कि बीरभूम के रामपुर हाट में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद 10 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजऋषि भारद्वाज की बेंच ने बंगाल सरकार को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और एसआईटी को आगे की जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है। पंजाब में अब एक विधायक को एक ही बार पेंशन मिलेगी, चाहे वह कितनी बार चुनाव जीता हो। शुक्रवार को सीएम भगवंत मान ने कहा कि जब विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों की पेंशन देना जायज नहीं है। मान ने कहा कि विधायक ही नहीं बल्कि उनके परिवार को मिल रही पेंशन को भी रिवाइज किया जाएगा। आने वाले दिनों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर ट्वीट करने की वजह से आईएएस अधिकारी नियाज खान को शो कॉज नोटिस जारी किया है। खान ने ट्वीट कर लिखा था कि फिल्म में जिस तरह कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया है उसी तरह अब प्रोड्यूसर्स को देश में मुसलमानों की हत्याओं पर भी फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कोई कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि इंसान है और इस देश के नागरिक है। सरकार ने खान को 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। पीके ने कांग्रेस को इसका ऑफर दिया है। पिछले दिनों गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी ने इस पर सबकी राय ली। सूत्रों के मुताबिक नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस पर फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया। बता दे कि 5 राज्यों में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2024 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत कार्यक्रमों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए हरियाणा के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 28 जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। सभी जवान सीआरपीएफ के 150वीं बटालियन के सी कंपनी में पदस्थ है। मामला चिंतागुफा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात कैंप में खाना खाने के बाद एकाएक अधिकांश जवानों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार को कैंप में जवानों के लिए विशेष दावत थी। हर दिन की अपेक्षा अलग अलग तरह के पकवान बनाए गए थे। आशंका जताई जा रही है कि कैंप में रात में खाना बनाने के लिए जिस सरसों तेल का इस्तेमाल किया गया था वह पुराना था। उसे काफी दिन पहले कैंप में लाकर रखा गया था। जवानों को पेट में दर्द, उल्टी जैसे लक्षण दिखने लगे, जिसके बाद सभी जवानों को सीआरपीएफ के फील्ड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी 28 जवानों का उपचार चल रहा है। फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स के कारण खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में विवादास्पद बयान दिया है। विवेक अग्निहोत्री के मुताबिक भोपाली शब्द का मतलब होमोसेक्सुअल होता है। उन्होंने ऑप इंडिया वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं भोपाल में पला बड़ा हूँ लेकिन भोपाली नहीं हूँ, क्योंकि उनका एक अलग अंदाज होता है। मैं कभी आपको अकेले में समझाऊंगा, आप चाहे तो कभी किसी भोपाली से पूछ सकते हैं। किसी को बोलो ये भोपाली है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये होमोसेक्सुअल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है। इसके पहले योगी आदित्यनाथ को बतौर पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सह पर्यवेक्षक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में एक बार फिर सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक दल का नेता चुना गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। 70,000 कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भाजपा सरकार का
शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सुबह 8 से 9 बजे के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य भर के मंदिरों में जाकर लोक कल्याण के लिए पूजा अर्चना की। भाजपा के सांगठनिक 27,000 शक्ति केंद्रों के स्तर पर कार्यकर्ताओं को पार्टी ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।